आज हम बनाएंगे एकदम चटपटा और चटाकेदार चाट, यानी कि पापड़ चाट, बहुत ही इजी तरीके से, एकदम इंदौरी स्टाइल में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नॉनस्टिक पेन या कढ़ाई जो भी है ले लीजिए, एकदम फ्लैट होना चाहिए। उस पे आप एक बड़ा चम्मच भर के ऑयल डाल दीजिए, कुकिंग ऑयल जो भी आप अपने घर में यूज़ करते हैं, और उसे इस तरह से अच्छे से फैला लीजिए। गैस हमारा ऑन है, मीडियम पे रखना है, इसको तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है, और इस तरह से पापड़ को आपको सेक लेना है। तो आप चाहें तो एकदम ड्राई पापड़ भी रख सकते हैं, बट हम चाट बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल तो बनता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से हमें क्या करना है, पापड़ को अच्छे से सेक लेना है, चारों तरफ से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, एकदम क्रंची हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टोटल जो बनाने वाली हूँ वो चार पापड़ की चाट बनाने वाली हूँ, जो कि दो मेंबर के लिए, अगर बहुत ज़्यादा भुक्कड़ लोग हैं ना तो उनके लिए, अगर कम कम खाते हैं और हेल्थ कॉन्शियस है और सिर्फ ऐसी ज़बान को स्वाद देना चाहते हैं ना, तो फिर चार लोगों के लिए भी काफ़ी हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, अच्छा सा हमारा पापड़ सीख चुका है, 2 मिनट में बात करने लग गई तो पापड़ कड़क हो गया, बट कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रख लीजिए इस तरह से, बाद में तो हमें इसे तोड़ना ही है। इसी प्रकार हम बाकी के पापड़ भी सेक लेते हैं। तो टोटल हमारे ये चार पापड़ एकदम तैयार हो गए हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब क्या करेंगे, हल्के से ठंडे होने के बाद, हल्के से ठंडे यानी कि हाथ ना जले, इस तरह से पापड़ को आप अच्छे से तोड़ लीजिए। तो इसे बहुत ज़्यादा एकदम बारीक नहीं करना है, आप यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, बस उसी तरीके से आप तोड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम यहीं पर छोड़ देंगे, जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। एक बाउल लेना है, अब पापड़ की क्वांटिटी के हिसाब से बड़ा बाउल लीजिएगा। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज आपको इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खीरा, यानी जो ककड़ी होती है जो सैलेड में खाते हैं हम, एकदम बारीक करके आप उसे ऐड कर दे दें। इसकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप जितनी पसंद हो डालें, अंदाज से डाल दीजिए। एक मीडियम साइज का टमाटर कटा हुआ, इन सारी ही चीज़ों को पहले ही मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसे यहाँ पे छोड़ दीजिए और सेकंड जो प्रोसेस है वो कीजिए, वो है ये जो पापड़ के टुकड़े हमने तोड़ कर रखे थे हमें बाउल के अंदर ऐड कर देना है। आप चाहें तो पहले पापड़ के टुकड़े, ऊपर से भी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन क्या रहता है ना, जैसे टमाटर में ककड़ी में बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो पापड़ हमारे गल जाते हैं, जब तक हम चाट बना के खाएंगे उससे पहले तो गल ही जाएंगे, हमें चाहिए थोड़े क्रंची, इसलिए ऊपर से ये कुछ सिंगदाने डाले हैं मैंने, इसको भून के डाला है। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल में भून लें, जो कढ़ाई में पापड़ सेके थे उसी में भून के इसका छिलका निकाल दें, या फिर एकदम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है रेड चिली पाउडर, यानी कि 1 छोटा चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ी मिर्ची की मात्रा कम रखें। 1/2 छोटा चम्मच आपको यहाँ पे डालना है काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डालना है नींबू का रस, यानी मैंने आधे नींबू का रस लिया है, अच्छा लगता है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काला नमक, थोड़ा मैंने डाला है नॉर्मल रेगुलर नमक और थोड़ा मैं काला नमक। ऊपर से बारीक कटा हुआ एकदम फ्रेश हरा धनिया आपको ऐड कर देना है। एंड अब आपको क्या करना है, बारीक सेव, जो सबसे ज़्यादा चाट में इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना तो हमारी चाट चाट लगेगी ही नहीं। तो आप सेव जैसे भी पसंद हो, बट मैंने एकदम प्लेन वाली जो तीखी नहीं होती है वो वाली ऐड करिए, वो चाट में अच्छी लगती है। अगर तीखी होगी तो थोड़ा सा इसका स्वाद में चेंजेस हो जाता है, क्योंकि हम मिर्ची वाले। अब तो करना है हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, बट ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा बाउल बहुत छोटा है क्वांटिटी के हिसाब से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा जब भी बनाए तो थोड़ा बड़े बाउल ले, ज़्यादा अच्छा होगा, कि जो गलती मुझसे हुई वो आपसे ना हो, मिक्स होने में अच्छा रहेगा। तो अब क्या करेंगे, मैं ज़्यादा ही वीडियो में अच्छा दिखाना चाह रही थी, लेकिन अपना ये स्टील का रेगुलर ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना तो इसी में रख के था वैसे भी। तो अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स हैं, ककड़ी टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए, और जो भी मसाले हमने डाले हैं वो भी मिक्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे जो पापड़ है ना वो बिल्कुल क्रंची ही है अभी तक, और खाने तक भी ऐसे ही थे, लेकिन फ़ोटो लेने के चक्कर में थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाते, लेकिन आप तो फोटो नहीं लेंगे ना, आप तुरंत खा लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी मुझे मिर्ची कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और मिर्ची डाली, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, क्योंकि एकदम शुरू में ज़्यादा मिर्ची आप भी ना डालें। और ऊपर से डालेंगे हम चाट मसाला, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है,
इसके बिना तो चाट चाट लगेगी नहीं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा धनिया मार के फेंकिए एंड फिर से दोबारा मिक्स करेंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने डाली है ना प्रॉपर मिक्स होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होता है ना कहीं खट्टी नमकीन मीठी ऐसे अलग अलग लगेगी, तो पूरा कॉम्बिनेशन एकदम सेट होना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये हमारी चाट बनकर मिक्स करने के बाद बनकर तैयार हो गई है। कुछ चीज़ें कम ज़्यादा लगती हैं, आपको अगर अपने स्वाद अनुसार चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारी चाट कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।